नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोने ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज फिर मैं आया हूँ वाराणसी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास में, और ये है सामने का पूरा दृश्य वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो वर्तमान में चल रहा है काम पूरा। ये है पूरा एरिया, और यहीं पास में देखिए, सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ पर एक खुदाई का काम चल रहा है जो रिंग रोड है, यह रिंग रोड फेज टू। इसी का जो साइड का पूरा नाला वाला जो एरिया है ना, वो पूरा इस एरिया में बन रहा है। जैसा कि देखिए सामने यह जेसीबी लगी हुई है, इसे खुदाई का काम चल रहा है यहाँ पर। देखिए इधर भी देखिए, जो श्रमिक है जो काम करने वाले वो सब हैं लगे हुए। और इधर देखिए, इधर साइड में नीचे से पीसीसी कर रहे हैं लेबल को इधर साइड से। यहाँ पर भी बाहर का खुदाई का काम चल रहा है, और अंदर में स्टेडियम का जो एरिया है पूरा उधर टीन सेट से पूरा घेरा गया है। बाउंड्री वाल जो देख रहे हैं इधर का टीन सेट से किया गया है। ये पूरा जो है स्टेडियम के अंदर का एरिया है, बाउंड्री वाल के अंदर का। तो ये स्टेडियम में जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो काम चल रहा है, ये है मेन पवेलियन का काम। जो पवेलियन का पूरा एरिया है उसका मेन काम चल रहा है। और सामने आप जैसा कि देखिए, ये है पूरा पवेलियन का एरिया इधर का, जिसका नीचे का पूरा कालम खड़ा करके ऊपर का स्लैब जो ढला गया है, उसका जो स्लोप नुमा होता है जिस पर दर्शक बैठते हैं, उसका जो पूरा काम है वो चल रहा है फिलहाल। जैसा कि सामने देखिए, इधर पूरा बना हुआ है। देख रहे हैं स्लोप नुमा पूरा बनाया गया है, और वो जो स्लोप नुमा बनाया है उस पर सीढ़ी बनाया लगाया जाएगा जो रेडीमेड होता है, और रेडीमेड यहीं पर बनाया जा रहा है। जैसा कि इधर देखिए, ये है पूरा एरिया जो एंट्री एरिया कहलाता है, यहीं पर प्रीकास्ट मटेरियल तैयार होता है, जो मतलब कि वाले से रेडीमेड तैयार करके उसको सीट नुमा उसको रेडी कर दिया जा रहा है, यहाँ पर रखा जा रहा है, और इसको यहाँ पर एज ए इंस्टॉल कर दिया जाएगा, मतलब उसको सेट कर दिया जाएगा। और ये सामने इधर है यह जो RMC प्लांट है, जहाँ रेडीमेड कंक्रीट तैयार होता है, जो मिट्टी बालू सीमेंट का जो मिश्रण होता है यहीं पर तैयार किया जाता है इसी में, इसी के माध्यम से। और ये पूरा एरिया है जो पूरा जो बन रहा है अभी फ़िलहाल स्टेडियम के अंदर का पवेलियन वाला एरिया। पवेलियन का काम लगभग में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। ये जो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का था, ये पूरा ईस्ट एरिया है जो इधर का है पूरा बन गया है। और उसके सामने जो देख रहे हैं उधर पूरा बिल्डिंग तैयार हो चुका है, वो है साउथ एरिया, उधर का पूरा बिल्डिंग तैयार हो चुका है। उसका जो सामने जो देख रहे हैं इधर में, ये है वेस्टर्न एरिया, पूरा पवेलियन जो कहलाता है उसका भी काम लगभग में रेडी हो गया है। जैसा कि देखिए इधर, यहाँ पर सामने क्रेन खड़ी है, और उसके आगे देखिए तो इधर स्लैब ढला चुका है, उसका उसका जो स्लोप होता है वो भी ढला करके रेडी हो चुका है, और उसके ऊपर अब केवल सीट इंस्टॉल करना है। जो सीट होता है प्रीकास्ट जो मटेरियल तैयार हो रहा है उसको इस पर सेट किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। और यही सामने है जो मेन बन रहा है, जो कालम खड़ा हो रहा है, ये है मेन पवेलियन के अंदर जाने का गेट, जिसे बोला जाता है मेन एंट्री गेट। जो पवेलियन के अंदर वो जाएंगे, जिससे के माध्यम से वो उसका जो डमरू नुमा यहाँ बनाया जाएगा, यही पूरा बनाया जाएगा इसी एरिया में। यह उत्तर एरिया में बनेगा, उत्तर की तरफ मुख रहेगा इसका, जिस हिसाब से यह बन रहा है पूरा इधर का। तो दोस्तों इधर का ये पूरा है मौजूदा दृश्य, जो वर्तमान हालात है काम का मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इधर काफ़ी श्रमिक भी लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ से देखिए तो नीचे भी लगे हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर पूरा खोल करके आगे ले आगे सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि जितना कालम था ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, क्योंकि इस पर काम भी काफ़ी तेज़ चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसको दिसंबर 2025 तक कम्प्लीट करना है, ताकि 2026 में जो मैचेज हैं वह यहाँ पर हो सके। उसके लिए एक इस यहाँ पर काम जो है काफ़ी तेज़ चल रहा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। और इधर इधर जो पास में देख रहे हैं, जेसीबी से पूरा खुदाई कर रहे हैं, और जैसा कि इसके अपोजिट में जो था उस साइड में, उसके पिछले उधर साइड में भी नाला बनाया गया था, और इधर साइड में भी अब नाला बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि शायद बरसात का पानी इधर उधर काफ़ी ज़्यादा जाता है, इसका जो पानी पूरा स्टेडियम के अंदर भी चला जाता है, तो उसको ऐसे शायद यार नाला बनाया जा रहा है इधर, तो नाला बना करके उसको रेडी किया जाएगा।
यहाँ पर काफ़ी मेहनत सब कर रहे हैं। और ये देखिए सामने एक आई है मशीन, काफ़ी हैवी मशीन है। कौन सी मशीन है जैसा आगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको बताओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए इस तरह का ये पूरा है मशीन है, ये कल शाम को ही आई है। और उधर साइड में देखिए, उधर साइड में तो उधर पता नहीं कैसा कैसा स्ट्रक्चर आया हुआ है ट्रेलर पे, देख रहे हैं। काफ़ी डेली कुछ ना कुछ मटेरियल नया नया आ ही रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नया नया हर डेली ऐसा कुछ ना कुछ काम होता ही रह रहा है, तो नया नया कुछ मटेरियल आता ही रहता है। और ये सामने पूरा जो देख रहे हैं मिट्टी जो खुदाई हो रहा है, वहाँ जो पूरा स्टॉक किया गया है वो पूरा एरिया है, जो प्लेग्राउंड का एरिया है स्टेडियम के अंदर, पवेलियन के अंदर जो है पूरा एरिया वो प्लेग्राउंड का एरिया है, वहीं पर क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, इसमें काफ़ी सुचारू रूप से और काफ़ी तेज़ काम चल रहा है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपडेट्स जो है आपको प्रॉपर वे में बराबर तरीके से देता रहता हूँ। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करेंगे तभी हमें और अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। देखिए इधर काफ़ी ट्रकें आती जाती रहती हैं, तो इस तरह से इस ब्रिज पर से आकर के हम वीडियो शूट करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि मुझे भी और अच्छा लगेगा। तो और जो भी अपडेट्स रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जो एरिया रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। और जो मेरे एक कमेंट आया था कि एसटीपी प्लांट का देखने के लिए, तो एसटीपी प्लांट का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा पाऊँगा, क्योंकि उधर अभी जो काम है ना अभी कोई ज़्यादा हुआ नहीं है। तो मैं जितना अपडेट दिया था पहले पाइपलाइन का पूरा था, जो नीचे कंक्रीटिंग का पीसीसी का वही सब हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका पूरा वीडियो आपको बना करके दे दूंगा, दिखा दूंगा कि क्या क्या काम हुआ है, क्या यहाँ पर बना हुआ है एसटीपी प्लांट, कैसा है उसका दृश्य। तो चलिए और आगे से इधर का चल के आपको दृश्य दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं सामने आ चुका हूँ, इधर साइड में देखिए इससे मेन सामने गेट है, जैसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है लर्सन एंड टू ग्रो। और उसके आगे देखिए उधर साइड का पूरा जो काम चला वर्तमान में, देखिए काफ़ी लोग इधर हैं श्रमिक है जो काम करने वाले, शटरिंग का काम कर रहे हैं, वही ऊपर का सरिया बिछाने का भी काम चल रहा है। और उसके आगे देखिए उधर साइड में पूरा तीसरा मंजिल तैयार हो रहा है, देख रहे हैं काफ़ी श्रमिक लगे हुए हैं, काफ़ी हैवी वर्क चल रहा है फिलहाल। और उसके आगे देखिए इधर का पूरा एरिया, इधर का देखिए थोड़ा सा कालम अभी बचा हुआ है जो अभी उसके ऊपर शटरिंग करना बाकी है, बाकी सब हो चुका है। और उधर साइड में देखिए पूरा है इधर जो स्टील यार्ड, जहाँ पर पूरा सरिया कटिंग बेंडिंग किया जाता है, ये पूरा एरिया इधर का सामने का। और इधर ये है पूरा देखिए ट्रकें खड़ी हैं, काफ़ी ट्रकें आती रहती हैं, मटेरियल आता रहता है इधर, देख रहे हैं आगे तक पूरा ट्रेलर कई गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, सब खाली होकर के जा रही हैं, सरफेस सरिया आता रहता है और भी मटेरियल आते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए इसमें ट्रक में जाली आया हुआ है, जो सेफ्टी के लिए नेट लगाया जाता है ना, जहाँ पर पूरा बिल्डिंग का काम चल रहा है, जैसा कि देखिए इधर यहाँ पर नीले कलर का लगा हुआ है जाली साइड में, तो इसके लिए यहाँ पर यह सेफ्टी जैकेट जाली आया हुआ है। तो यही सब मौजूदा यहाँ का दृश्य है वर्तमान में वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर का। तो दोस्तों हमारे इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद, जय हिंद।